कपिल शर्मा शो वर्सेस तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कपिल शर्मा शो वाले लाइक करो और तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले सब्सक्राइब। तो कपिल शर्मा शो 23 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई 2008 को स्टार्ट हुआ था। तो कपिल शर्मा शो को अब तक कुल 6 साल हो चुके हैं, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अब तक 14 साल हो चुके हैं। द कपिल शर्मा शो के अब तक कुल 440 एपिसोड हो चुके हैं, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3716 एपिसोड हो चुके हैं। कपिल शर्मा शो एक कॉमेडी शो है, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फैमिली शो है। द कपिल शर्मा शो के डायरेक्टर का नाम भरत कुकरेती है, वहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायरेक्टर का नाम धर्मेश मेहता है। कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर कपिल शर्मा और सलमान खान दोनों हैं, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी हैं। कपिल शर्मा शो का प्रसारण सोनी टीवी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होता है, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का प्रसारण सब एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होता है। कपिल शर्मा शो के सबसे पॉपुलर एक्टर कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर जेठालाल के लिए दिलीप जोशी 1,50,000 रुपए की फीस लेते हैं। कपिल शर्मा शो की IMDb रेटिंग 7.3 है, वहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा की IMDb रेटिंग 8.3 है। कपिल शर्मा शो को अब तक कुल 10 अवार्ड मिल चुके हैं, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अब तक 47 अवार्ड मिल चुके हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही सीरियल की लैंग्वेज के बारे में, तो ये दोनों ही सीरियल हिंदी भाषा में प्रसारित होते हैं। तो आप जेठालाल के फैन हैं या कपिल शर्मा के, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।